नमस्कार, आपके खास पेशकश सबसे तरह है। पहले उसकी आत्मा में एक बीज बोया जाता है, हिम्मत की खाद से उसे पोषित किया जाता है और मेहनत के पानी से उसे सींचा जाता है। तब कई साल बाद ये पेड़ फल देने लायक बनता है। ऐसे ही अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने वाले एक शख्स से आपको मिलवाएंगे, जिनको बचपन से ही अमीर बनने का पैशन था। लेकिन पहले देखते हैं कैसा रहा उनका अब तक का सफर। कहते हैं अगर इंसान किसी काम को पूरा करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस जरूरत है पैशन की, और अगर ये हो तो संघर्ष का मजा दुगना हो जाता है। ऐसी एक हस्ती है परिमल भाई नथवानी। आज वो देश की सबसे अमीर कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक्स बेची, साबुन बनाया, एसटीडी बूथ चलाए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की, लेकिन हर्षद मेहता कांड के कारण बर्बाद हो गए। सुसाइड करने तक का मन बना लिया था, पर ऐसे बुरे वक्त में रामजी भाई और चिमन भाई मेहता ने उनकी बड़ी मदद की। लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, और वो जौहरी थे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने परिमल भाई को एक काम सौंपा और उसके बाद तो वो रिलायंस के ही होकर रह गए। आज देश की सबसे अमीर फैमिली के साथ उनके घर जैसे ताल्लुक है। बड़े फैसलों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी उनकी राय लेते हैं। परिमल भाई झारखंड से राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कठोर संघर्ष और उनके पैशन की कहानी। नमस्कार, द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है, और अब की बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। अगर आत्मविश्वास हो, लगन हो, कड़ी मेहनत हो और उसके साथ पूरी ईमानदारी हो तो सफलता लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट श्री परिमल भाई नथवानी की। सर, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन सबसे पहले सर, वो स्ट्रगलिंग पीरियड आप हमें बताइए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली है आपको, करीब 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिली है। देखिए, मैंने स्ट्रगल जो आपने बताया वो मैंने एक पैशन के तौर पे लिया था, उसको मैं स्ट्रगल मानता ही नहीं था। किंतु ऑफकोर्स उस दिन की और आज की कंपेरिजन करूँगा तो वो स्ट्रगल ही कहलाएगी। मैं जब कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तब से मैंने बिजनेस शुरू किया था, और बॉम्बे में गोल्डस्पोर्ट लिम्का थम्सअप की मेरी एजेंसी थी, गाम देवी से नरीमन पॉइंट एरिया तक। तो 3 साल मैंने वो एजेंसी चलाई। उसके बाद में अगर आपको याद है तो वल्लभ भाई पटेल और चंदू फलदू, उन्होंने एक बामणबोर में साबु की फैक्ट्री की थी, बादशॉप की पीयू और उस तरफ से कोई ब्रांड बनाई थी, उसकी डीलरशिप मुझे मिली थी मलाड़ से लेके बोरीवली तक बॉम्बे में। उनके बाद वो जो सॉप फैक्ट्री थी उसमें कुछ डिवीज़न हो गया और मैं एक अलग ग्रुप था जो मिस्टर बिपिन पटेल जिसको लीड करते थे, उनके साथ मिलके मैंने वो एक फैक्ट्री हमने शुरू की, खुद की सॉप फैक्ट्री बाद शॉप की, उसका नाम था डोना सनम फेड करके बाद शॉप थे। अच्छा। और मैं वो उसको मैं कर रहा था, किंतु मेरे पिताजी कपड़े के व्यवसाय में थे, मुलजी जेठा मार्केट में, इनको रिस्क लेना पसंद नहीं था, पुराने ज़माने के थे क्योंकि वो कभी टीचर भी रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ज़्यादा पूंजी नहीं दूंगा,
और हमारी वो फैक्ट्री 3 साल चली, बाद में जो हमारे डायरेक्टर्स थे उसके बीच में अनबनाव हो गया, तो मेरा 2 साल एकदम फ्री गया, वो फैक्ट्री बंद हो गई। हालांकि लॉस नहीं हुआ था कोई भी उस ज़माने में भी, बट मेरा फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से लोग टीज भी करते थे कि आजकल क्या करते हो, पार्ले की एजेंसी भी चली गई, ये जो सनराइज़ केमिकल्स की एजेंसी थी वो भी चली गई, और एकदम से बेकार हो गया था। तो स्ट्रगल के टाइम पे मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जामखंबालिया फिर चला गया था, क्योंकि पिताजी का बहुत प्रेशर था कि ये सब बोला इंडस्ट्रियलिस्ट होने से निकला था। और तो मैंने बोला कि अभी हमारा कोर्ट केस चल रहा है, तो मैंने बोला कि कुछ पैसे दो तो मुझे यहाँ पे एडवोकेट रखना है अहमदाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला कि भाई खातर पे दीवान ही करना है, और अब जो हो गया सो हो गया, तो सीधा सीधा दुकान में बैठना शुरू कर दे। तो मैंने वो बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं और कुछ करूँगा। और उस दौरान फिर बैठे बैठे मैं तंग आ गया था, बट मेरे काफ़ी द्वारकाधीश जी की मैं परम भक्त रहा, तो मेरे को एक नई लाइन मिली फिर सौराष्ट्र में रहते हुए। तो मैंने काफ़ी एसटीडी पीसीओ खोले जो किसी को पता नहीं है। तकरीबन मेरा गुजरात के अंदर 40 के ऊपर एसटीडी पीसीओ था, उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, और आज मैं पहली बार ये जिक्र कर रहा हूँ। तो बड़ौदा में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैंने एसटीडी पीसीओ खोले, रेलवे स्टेशन, फिर प्रतापगंज जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ये सारी जगह पे मैंने एसटीडी बूथ खोले थे, और उसी की इनकम से मैं स्टॉक एक्सचेंज में भी मेरे को एसटीडी पीसीओ की जगह मिली थी एक कैबिन, जहाँ पे क्योंकि मोबाइल नहीं थे तो मेरी 5-6 लाइन अंदर चलती थी, और सारे ब्रोकर उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, वो शाउटिंग वाला पीरियड था, तो वहाँ वो देखते देखते मुझे भी लगा कि मैं भी ब्रोकर बन सकता हूँ, तो एक अंदर से वो था ही। तो मैंने बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज की मेम्बरशिप भी ली, और स्टॉक एक्सचेंज में मैंने एज ए ब्रोकर मैंने काम भी शुरू किया, बाद में अभी उसका प्रेसिडेंट भी मैं रहा इक्विटी बेसिस के ऊपर, और एसटीडी पीसीओ भी चलाए। पर एक दिन मुझे मार्केट में मेरी कैपिटल थी 12 लाख रुपया, और 40 लाख का मुझे लॉस हो गया। ओ, या तो मैं कार्ड बेच दूं या सुसाइड करूं। एक हमारे जो राजकोट के उस टाइम पे जो एमपी थे रामजी भाई मावाणी, उनकी मुझे काफ़ी मदद मिली, और चिमन भाई मेहता थे जो गुजरात में, इन्होंने मेरे को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा मेरा फ्रेंड वो नटू भाई गणात्रा ने हेल्प किया। उस तरह से बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में पहली बार मुझे अगर कोई ब्रोकर को पेन करने के लिए इंस्टॉलमेंट पे मिला, तो मुझे वो सौभाग्य मिला। तो ये जो हुआ था आपको जो लॉस हुआ उस टाइम पे, वो जो हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था उसकी वजह से हुआ? हाँ, उसी वजह से हुआ था, वो बात सही है। 97 में आपका एक टर्निंग पॉइंट आता है ज़िंदगी में, जब आप देश की सबसे बड़ी कंपनी के जो विजनरी मैन हैं, लेजेंडरी मैन श्री धीरू भाई अंबानी, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? उसमें ऐसा हुआ था कि मेरे जो कज़िन हैं मिस्टर मनोज भाई मोदी, उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया था, और क्योंकि मैं बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज में था तो रिलायंस के बारे में तो जानने ही लगा था, तो मुझे धीरू भाई, मुकेश भाई और मनोज भाई से मिलके मुझे बुलाया गया था कि भाई तूने कभी ज़मीन ली है? मैंने बोला नहीं। कोई गांव में? मैंने बोला नहीं, मैं तो पास होता हूँ वो मेरे हाईवे पे, बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो धीरू भाई ने बताया कि नहीं, तू मेरे को खाली इतनी जानकारी ले दे कि ये लोग हमारे खिलाफ क्यों हुए। तो जब मैंने रिपोर्ट ला के धीरू भाई को जब दिया, तो उसने बोला कि तू अभी लैंड एक्विजिशन शुरू कर और कंसेंट अवॉर्ड कर। जबकि मैंने ज़िंदगी में 7 बार क्या होता है, लैंड एक्विजिशन क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। उसने बोला तू कर पाएगा, तू कर। और मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे इसका कुछ पता नहीं है। एक ऐसे मैजिक की तरह हो गया। आपने कभी धीरू भाई अंबानी से ये बात पूछी कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी? कभी आपने इस बात का जिक्र किया उनसे? नहीं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने कभी नहीं पूछा था, बट उन्होंने मुझे ज़रूर बताया था।
कि परिमल तेरी जो एज है उस टाइम पे मेरी एज थी कुछ 30-32, तो बोला तेरी एज में मैं भी जो देखता था मुझे ये लगता है कि तू मेरे जैसा ही है और तेरी काम करने की जो स्टाइल है वो इंग्लिश टाइप नहीं है, वो तो टाई वाला और सूट वाले से वो बोलता है जो काम नहीं हो सकता है, बोला तू बहुत प्रैक्टिकल है और मैं जब तेरे को काम करते देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा बचपन ये ही था। तो इस बात को हमारे चेयरमैन अभी जो है मुकेश भाई, उसने भी कई बार मुझे ये दोहराया कि परिमल को हमेशा पापा जी बोलते थे कि धीरूभाई हमेशा बोलते थे पापा जी कि परिमल का जो वर्किंग स्टाइल है वो मेरी जो शुरुआत की कैरियर थी वही वर्किंग स्टाइल पे वो काम करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको मिलके और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। धीरूभाई अंबानी के साथ आप सबसे ज़्यादा रहे और उनके बारे में जानना किसी बायोग्राफी या एनसाइक्लोपीडिया से कम नहीं, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे। उनकी कुछ खास बातें आपको याद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे, जिनसे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि ये चीज़ तो नहीं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, वैसी कुछ चीज़ें आप बताइए। हाँ देखिए, उनका एक था कि ऑलवेज वो बोलते थे कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी करो और अचीव करो। वो बोला कि आपको अगर एक डेडलाइन दीती है कि भाई ये 20 सितंबर 2010 में हम ख़त्म करेंगे, तो बोला उसमें क्या बड़ी बात है, उससे पहले आपने क्या किया। तो वो हमेशा मानते थे, जैसे एक एग्जांपल है, हम लोग नए पेट्रोल पंप लगा रहे थे तो मुझे बुलाया था उस दिन में बॉम्बे, मुझे याद है कि परिमल कितने पेट्रोल पंप ये महीने में खुलेंगे। तो मैंने बताया कि पापा जी ये पूरे गुजरात में, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने बोला 15 तो खुल जाएगा। अरे बेवकूफ़ अला गधा है, उस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 50 खुलने चाहिए हर मंथ में और ये टारगेट पूरे कंट्री में होना चाहिए। बोला क्या है 2, 5, 10, 15, बोला एक महीने में 100 पेट्रोल पंप खोलो, दूसरे महीने में 200 खोलो। बोला कि आदमी लोग की कहाँ कमी है, कंस्ट्रक्शन की कहाँ कमी है, लेबर की कहाँ कमी है, तुम लोग ये 2, 5, 10, 15 में क्यों घूमते हो। बोला तुम दिमाग है कि नहीं है, बोला ताकत से काम करो। तो ये इनका विजन था। सर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके इतने बड़े ग्रुप के ग्रुप प्रेसिडेंट रहे, दूसरे 10 काम आपने किए साथ में, फिर आप राज्यसभा के सांसद बनने का आपने विचार कैसे आया? देखिए बचपन से मेरा एक ड्रीम था और मैंने एक बार जाम खंबालिया में, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस है, मैं बार बार वैकेशन में जाता था, तो मैंने एक असेंबली के चुनाव में मैंने नॉमिनेशन भी फाइल किया था कि मैं चुनाव जाम खंबालिया से लड़ूं। बट कास्ट फैक्टर आप जानते हैं कि उसके बिना आप जीत नहीं पाएंगे। तो जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया तो मुझे मोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे, बट जैसे जैसे विड्रॉल के दिन आए तो लोग पीछे हटने लगे, बहानेबाजी करने लगे। तो मेरी समझ में आ गया था कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मैंने जो नॉमिनेशन फाइल किया था वो मैंने अल्टीमेटली विड्रॉ किया। तब से मेरे दिमाग में था कि मैं एक न एक दिन राज्यसभा में पहुँचूँगा। रांची में हमारी एक जो अपना रिटेल मॉल की एक जगह का कोई डिस्प्यूट था, तो वहाँ के एक एडवोकेट को मैं मिलने गया था। ये कोई लोग जानता नहीं है, लोग बोलते हैं कि रिलायंस ने मुझे पॉलिटिक्स में डाला या ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस को ये सब ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर है रिलायंस। तो मैं गया था तो वहाँ पे कुछ 8-9 MLA थे और एक MP थे लोकसभा के, टेकलाल महतो जी करके। ये उनको बता रहे थे कि ये बच्चे लोग को 2 पैसा मिल जाएगा, राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और आप इनका उनका डिस्क्वालिफिकेशन कुछ होने वाला था, तो एडवोकेट को बोल रहे थे कि बचा लीजिए। तो उनकी बात ख़त्म हो गई, फिर मैं उनके साथ बैठा तो मैंने पूछा था कि ये कौन थे सब। तो बोला ये सब यहाँ के विधायक लोग थे और अब यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, आपको इंटरेस्ट है क्या, तो इन लोग से मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। जबकि मैं फर्स्ट टाइम वो एडवोकेट को भी मैं फर्स्ट टाइम मिला, रांची में भी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम गया और मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं कभी सोचता था कि मैं राज्यसभा में जाऊँगा, तो भगवान ने यहीं मुझे भेजा है
तो मैंने एक बहुत ब्लंडर किया, मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। तो उन्होंने उनको फिर बुलवाया और रांची के बाजू में एक रामगढ़ करके जगह है, मुझे बोला सुबह में बोला कि पर्चा पा लो। तो पर्चा क्या होता है हिंदी में मुझे मालूम नहीं था, नॉमिनेशन फॉर्म को वहाँ पर्चा बोलते हैं। तो वो मैं लेके पहुँच गया क्योंकि मेरे को 10 विधायक के सिग्नेचर उसमें चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट। तो बोला कि मेरे पास 9 है और एक का आप जुगाड़ कर लो उनके लैंग्वेज में। तो मैंने किसी को बिना बताए मैं रामगढ़ गया। टेकलाल मातो जी ने बोला कि बाकी सारी बात हम बाद में करेंगे, अभी तो आप पर्चा एक बार ले लो। जब मैंने वो पर्चा ले लिया और नॉमिनेशन में सिग्नेचर कर लिया, बाद में मुझे एक लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया कि मैंने हमारे चेयरमैन को मुकेश भाई को पूछा नहीं और उनसे उनकी कंफर्मेशन मैंने नहीं ली। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस था। तो मैंने दिल्ली, रांची से दिल्ली आके मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आपको बॉम्बे मिलने आना चाहता हूँ। नॉर्मली तो हम लोग कभी भी जाते हैं वो मिलते हैं, वो एक रूटीन प्रोसेस होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में गिल्टी कॉन्शियस था कि मैंने बिना पूछे ये नॉमिनेशन में सिग्नेचर लिया है। तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे याद है कि मेरिडियन होटल की लॉबी से मैंने फ़ोन किया था उनको। वो बोले कि क्या बात है क्यों, मैंने बोला मैं कल ही मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है आ जा। बट आप देखिए उनका मेरे प्रति जो आदर और प्यार था, तो 15 मिनट के बाद उनका फिर फ़ोन आया कि परिमल तेरे आवाज़ में कुछ वो था। मैंने बोला मेरे से गलती हुई है तो मैं मिलना चाहता हूँ। बोला क्या हुआ है, जरूर आ जा बट बता दे क्या हुआ है। मैंने बोला ऐसा ऐसा मैं गया था रांची और एक नॉमिनेशन में मैंने सिग्नेचर करवाए हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर आगे चलूँ। तो बोला भाई तू बहुत अच्छा किया है, तू आगे बढ़, किंतु एक देख लें कि परिमल नथवानी हारता है या जीतता है तो वो रिलायंस की इज्जत है, अगर तू हार जाता है तो रिलायंस हार जाता है, तू जीतता है तो रिलायंस जीतता है। अगर तेरे को श्योरिटी है तो बोला मेरे पास आने का वक्त भी तू मत बिगाड़। तो ये इनका एक मोटिवेशन मुझे मिला। ग्रुप प्रेसिडेंट हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा बांध के रखते हैं। नहीं, एक तो है कि एम्प्लॉय क्या है, वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द टीम, ये हमारी जितनी उंगली है। कोई एक आदमी, एक मुकेश अंबानी जी या एक परिमल नथवानी या एक मिस्टर मनोज मोदी, वो तो काम नहीं कर सकते हैं। टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ता है, उनको ये भरोसा देना पड़ता है कि वी आर लाइक अ फैमिली। जब भी रिलायंस में कोई नया आता है तो मुकेश भाई हमेशा एक स्पीच देते हैं कि यू आर नाउ पार्ट ऑफ रिलायंस फैमिली। ये कभी नहीं कहते कि यू आर एम्प्लॉई ऑफ रिलायंस। ये सबसे बड़ी रिलायंस की स्ट्रेंथ है। और हर दिवाली में वो बहुत लोगों को तो नहीं बुला सकते हैं, बट बॉम्बे के अंदर हर दिवाली में वो एक डिनर रखते हैं और हर सेगमेंट में से पूरे रिलायंस का जहाँ पे भी है, जामनगर है, हजीरा है, पातलगंगा है, जहाँ से भी लोग लाना है, दहेज से हैं, सारे जितने हो सकते हैं 2000 आदमी को बुला के वो एम्प्लॉय के साथ वो एक डिनर करते हैं और उनसे बात करते हैं। राज्यसभा के एमपी जब आप बने झारखंड में, आपने तो आपने कहा कि वो आपकी कर्मभूमि, आपने एक पुस्तक भी लिखी है कि झारखंड मेरी कर्मभूमि। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी और आज भी है, आप वहाँ पे उस क्षेत्र के लिए, आपके कर्मभूमि के लिए आपका क्या विज़न है? नहीं, मैं वहाँ के लिए तो मेरा विज़न बहुत सारा है, बट जो भी करना है वो राज्य सरकार को करना है। और ये फर्स्ट टाइम मैं दिस इज़ माई सेकेंड टर्म, माई फर्स्ट टर्म वॉज 2008 टू 2014 और अभी है 14 टू 20। झारखंड की एक कमज़ोरी रही है कि कभी स्टेबल सरकार रही नहीं, हर 2 साल, 1 साल, 3 साल सरकारें चेंज होती रही क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आती थी। तो झारखंड में इतने रिसोर्सेज है कि हम गल्फ कंट्री से एक समृद्ध स्टेट झारखंड बन सकता है। तो उसके लिए मैंने जो अपना ऑफिस खोला हुआ है
ये सारे काम है कि एमपीलैड फंड से क्या होना है, आदर्श ग्राम में क्या करना है, वो तो एक पहलू है, बट झारखंड का एक ब्रांड बनाना है, जैसे गुजरात का जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्रांड बनाया उस तरह से वो ब्रांड बनाना मेरा एक विज़न है। फिलहाल जो इंडियन पॉलिटिक्स जो चल रही है, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार जो चल रही है, इस सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बहुत थंबिंग मेजोरिटी के साथ, बहुत पॉपुलैरिटी के साथ ये सरकार बनी है, और देश का ये सौभाग्य है कि उन्होंने जो गुजरात में जिस तरीके से काम किया उसको बड़े तरीके से अब वो देश को आगे ले जाने का उन्होंने जो मिशन शुरू किया है, उनके नतीजे आज के आज नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आज कोई भी आप काम शुरू करो, आप एक बिल्डिंग करो, तो ग्राउंड में आप जब उनके खुदाई करते हैं, प्लिंथ लेवल पे आते हैं, स्लैब भरते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, तो एक बिल्डिंग बनाने को हमको 2 साल लग जाता है। तो सरकार के लिए मैं मानता हूँ कि खूब अच्छी तरह से, क्योंकि उनमें सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है, 24/7 काम करने की उनकी तैयारी है, तो मुझे लगता है कि देश को एक बहुत अच्छे विज़न पे वो पहुंचा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनके बारे में कुछ बताइए आप, नीता अंबानी के बारे में, कि उनका क्या विज़न है, कैसे वो काम करते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। देखिए, जो आपने नीता बहन का जो जिक्र किया, वो कुछ ना कुछ नया करने की सोच में रहते हैं, और उनको लगता है कि मैं मुकेश भाई के साथ कैसे हाथ बटाऊं, मैं क्या क्या करूं। तो अभी अभी तो वो बोर्ड में, रिलायंस बोर्ड में बोर्ड मेंबर भी बने हैं, किंतु उससे पहले रिलायंस फाउंडेशन के जरिए सोशल सर्विस का उन्होंने जो काम शुरू किया है लास्ट 15 सालों में विदाउट एनी पब्लिसिटी, ज़्यादा उन्होंने पब्लिसिटी भी नहीं किया है, और हमारे इधर साउथ गुजरात में उनका लगातार 5 साल से एक विलेज को एडॉप्ट करके काम चल रहा है, ऐसे आंध्र प्रदेश में भी वो काम कर रहे हैं। तो एक तो रिलायंस फाउंडेशन ने अभी चेन्नई में भी बहुत सारा काम किया जब फ्लड आया था, तो एक तो रिलायंस फाउंडेशन उनका जरिया है। दूसरा है कि उन्होंने हॉस्पिटल को टेक ओवर किया, हरकिशन दास हॉस्पिटल, वो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई अच्छा उसके अंदर भी गरीब पेशेंटों के लिए क्या करना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ का पहलू उन्होंने रखा। उसके बाद चाहे वो फुटबॉल है जो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने फुटबॉल को भी इंडिया में प्रमोट करने का एक, उसके अंदर बेसिकली तो यूथ ही मोटिवेट होता है, और क्रिकेट में भी उन्होंने IPL को अच्छी तरह से वो किया हुआ है, प्लस एक स्कूल चलाते हैं वो, और बहुत सारी सोशल एक्टिविटी में उनका योगदान है, और सुबह से लेके उनके पास शेड्यूल बहुत टाइट होता है। ये सक्सेस स्टोरी शो है, और इसमें जो भी हमारे शो में आते हैं शख्सियत, वो सफलता के कुछ मंत्र देके जाते हैं, तो आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए और ख़ास तौर पे यूथ के लिए सफलता के कुछ मंत्र दे दीजिए। मेरे तरफ से एक ही मंत्र है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्वालिटी, योर डेडिकेशन, योर पेशेंस, एंड बी आफ्टर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट यू शुड कंटिन्यू, योर स्ट्रगल विल डेफिनेटली गिव यू ए गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और ऐसी चीज़ें बताई जो शायद लोगों को पहली बार पता चलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आपके खास पेशकश सक्सेस।